आदिवासी बहन की झोंपड़ी होटल जैक लीव्स लीफ इडली। बिंदिया नाम के जंगल के बीच एक ट्राइबल का गांव था। उस गांव में रहने वाले सब लोग जंगली जानवरों के साथ बहुत प्यार से रहते थे। उसी गांव में दास मीरा नाम का जोड़ा को रंजित नाम का एक बेटा था। उसका शादी का उम्र आने के बाद भी शादी न करने के वजह से एक दिन रंजित के पिताजी ने अपने दोस्त शेखर को बुलाया। शेखर घर आने के बाद रंजित से, क्यों रे भांजा, मेरा भाई और भाभी को बहुत सता रहे हो कहकर सुना। अगर शादी करोगे तो वे पोता या पोती के साथ खेलते हुए खुशी से जीते थे ना, कहा। तब रंजित, देखो मामा, हमारा गाँव का रिवर्स तुम्हें तो पता है ना, शादी करने के लिए एक मर्द को कोई भी जानवर के साथ दोस्ती करना चाहिए, कहा। तब शेखर, अरे ये क्या, तुम तो पहले से ही एक हाथी को साथी बना दिया है ना, और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या करना चाहते हो तुम, पूछा। ये सब सुनकर रंजित का पिता दास, इस नमूना को हम पसंद नहीं है शायद, इसलिए हमें जाने के लिए ना कह पाकर किसी शेर या भाग को बलि देने के लिए ऐसे बेकार और पागल जैसा विचार कर रहा है, कहा। तब रंजित, देखिए आप लोग जो भी बात करो, मुझे जो करना है वो करके आप सबको मेरा पावर क्या है गाँव में दिखाने के बाद ही मैं शादी करूँगा, मैं अपने शादी पे एक भाग के ऊपर आऊंगा, कहकर वहाँ से चला गया। तब मीरा से शेखर, देखो भाभी, मेरी बहन बबीता को आपके बेटे के बारे में अच्छे से पता है, रंजित हर रोज उनके पास ही जैक फ्रूट लीव्स इडली खाने के लिए जाता है, उनको एक बेटी है, शहर में पढ़ रही है, उन दोनों का जोड़ा अच्छा रहता है, अगर उस लड़की को इसको चिपकाएंगे तो वो खुद रास्ते पे आ जाएगा, कहा। तब दास, सच है रे, मुझे ये विचार तो कब से है, इस नमूने का हाथ पैर बांध कर शादी करवा दिया तो वो खुद रास्ते पे आएगा, बाद में जहाँ भी जाएगा तो उसकी पत्नी ही उसका ख्याल रखेगी, ठीक है तुम जाकर तुम्हारे बहन से बात करो, कहा। ये विचार सबको पसंद आया। तब शेखर जाकर उसकी दीदी से सब कुछ कहा, तब उसके लिए वो ठीक है बोली। कुछ दिन के बाद उस आदिवासी बहन के पास रंजित गया और, देखो दीदी, क्या मुझे पता चले बिना बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं कहकर सुना, देखिए आप लोग कितना भी कोशिश करने से भी मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं, तुम जितना भी कोशिश करो लेकिन तुम्हारी बेटी से मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा, कहा। तब बबीता, रंजित बाबू तुम्हारा दिमाग सड़ गया है क्या, सोने जैसी मेरी बेटी को तुम जैसे काम काज नहीं करने वाले नमूने के साथ देकर क्यों शादी करवाऊंगी, जाओ जाओ, बोली। तभी उधर बबीता की बेटी सिरी आई। तब सिरी को देखकर मन में रंजित, अरे वाह कितनी खूबसूरत है, जंगल में निकली हुई चांदनी जैसी है, एकदम पटाखे की तरह है, अच्छे से मसाला लगाया गया मुर्गी जैसी है, हमारा बेकार का रिवाज के लिए भाग शेर को छोड़कर पहले इस लड़की के पीछे पड़कर पटाना है, सोचा। अगले दिन रंजित बबीता के पास जाकर उसके पास काम करेगा कहकर बबीता के पास काम पर लग गया। कुछ दिन बबीता के पास आने वाले कस्टमर्स को, फॉरनर्स को इडली देना शुरू किया। बाद में सिरी से नजदीक रहना भी शुरू किया। ये सब घोर करके एक दिन बबीता रंजित को बहुत डांटी। तब सिरी के घर चोरी चुपके से जाकर रंजित, देखो सिरी, ये घटिया जमाना हमारे जैसे अमर प्रेमी को एक नहीं होने देते हैं, हम भाग कर शादी करेंगे, कहा। इतने में बबीता उधर आई और, अरे ओ चोर डामान, मेरी बेटी को तुम उठा कर ले जाओगे तो मेरा व्यापार कौन देखेगा, और हमारे गांव में तुम्हारा इज्जत कहाँ से चला जाएगा, देखो मैं एक ही बात कहती हूँ, बेकार में घूमना छोड़कर मेरे व्यापार का देखभाल करोगे कहे तो मेरी बेटी के साथ तुम्हारा शादी कराती हूँ, क्या कहते हो, बोली। तब रंजित ठीक है कहकर मान लिया। ऐसे सब परिवार वाले मिलकर सिरी और रंजित का शादी मनाए। उनका प्लान सफल होने के वजह से शेखर, बबीता और दास सब हंसने लगे।